हरियाणा में अधिकतम तापमान को लेकर दो दिनों की राहत के बाद अब एक बार फिर से भीषण गर्मी का सामना करने के लिए लोगों को तैयार रहना होगा। और इसी पर पूर्वानुमान को लेकर कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर खीचड़, दो दिनों का अधिकतम तापमान को लेकर राहत कह सकते हैं कि देखने को मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर अब गर्मी की तपिश का सामना लोगों को करना होगा। हाँ, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ जो ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी की थी और उसके बाद बारिश हुई पहाड़ों पर, और उसके बाद में वो मैदानी क्षेत्रों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना और उसके कारण हवाएं चली, धूल भरी हवाएं और कहीं कहीं बूंदाबांदी हरियाणा में देखने को मिली, जिसमें तापमान में 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट भी आई। जो पहले 42-43-44 डिग्री तक पहुंचा हुआ था, बाद में वो 38 डिग्री सेल्सियस तक भी आ गया था, पर तो फिर दोबारा तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री और बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। यानी अधिकतम तापमान एक बार फिर 43 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँच सकता है। हाँ, ये तापमान अभी आज भी देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और रात्रि तापमान भी 20 डिग्री के आसपास है, परंतु अभी भी सामान्य से सिर्फ 4 डिग्री बढ़ा है, परंतु अभी आगे आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उसके बाद में ही जैसे तापमान बढ़ेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, उसके बाद में एक पश्चिम विक्षोभ भी पास करने की संभावना है, परंतु उसमें अभी अगले 3-4 दिन गर्मी रहेगी। ऐसे में लू का सामना लोगों को करना होगा और किसानों को क्या कुछ सलाह आप देंगे? इसमें यह है कि ज़्यादा लू वाली बात तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि तापमान अभी भी 40 डिग्री है तो और 2-3 डिग्री बढ़ेगा 2-3 दिनों में, परंतु उसके बाद में फिर हवाएं चलने की संभावना बन रही है। तो किसान भाइयों को यही है कि कटाई और कढ़ाई करते समय उसके गेहूं के बंडल अवश्य बांधे और तूड़ी और भूसा को ढके अवश्य। चलिए, एक बार फिर से अधिकतम तापमान हरियाणा में बढ़ता हुआ नजर आएगा, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में इजाफा देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान अब 43 डिग्री सेल्सियस के करीब हरियाणा में पहुँच सकता है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।